जय श्री राम भाइयों, मैं शिवपुरी एमपी से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा का सफ़र तय कर रहा हूँ, जिसमें मेरे साथ नीरज भाई है और भी एक भाई और है, हम तीन लोग हैं। आप लोगों को पूरा दर्शन कराऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बट मैं जाकर ही रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम भाइयों। आज मेरा दूसरा दिन है और मेरी एक बहुत बुरी आदत है गाइस कि मैं पानी पीने ही भूल जाता हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मेरे को बार बार बीच बीच में पानी का ध्यान, मैंने भाई को बोला भाई मेरे को ध्यान दिला दिया कर, पता नहीं कहाँ माइंड रहता है मेरा। मैं पानी कल बिल्कुल भी नहीं पिया, भाई बोला कि भाई तू पानी तो पिया कर थोड़ा बहुत, तो अब मैं पानी पीता हूँ थोड़ा। बाकी अभी 20 किलोमीटर चल चुके हैं और डायमंड पर हम लोगों ने मतलब खाना वाना खाया था वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने वीडियो शूट नहीं कर पाया, शायद भाई ने किया था, तो भाई से क्लिप ले। अब इसके बाद अपन लोगों को चिरगांव जाना है, मतलब हमने नेक्स्ट लोकेशन चिरगांव मतलब किया है, तो वहाँ पे कोई मंदिर वगैरह होगा या कोई होटल वगैरह होगा, वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डे मतलब रात जो बिना उसको निकालेंगे। तो सभी भाइयों को जय श्री राम। भाइयों आप लोग कमेंट में जय श्री राम लिखना बंद बिल्कुल भी मत करना, ये मेरा हौसला टूट जाएगा, मुझे पैर थक जाते हैं ना बस कमेंट देख के, और लोगों को बोलते हैं ना जय श्री राम, उसको देख के हम लोग चलते रहते हैं और हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ पहुँचना है क्या है, बस जय श्री राम का नाम लेके हम लोग चल रहे हैं। जय श्री राम भाइयों। भाइयों मुझे कुछ ऐसी टिप्स दे दो जिससे पैर का जो नीचे का जो वो रहता है ना, कैसे घुटने से नीचे जो दर्द होता है उसको कैसे ठीक करें, वो मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा है। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा होएगा, फिर शायद नहीं होगा, बट कोई ना, इतना तो चलेंगे तो होएगा, दिक्कत ना आए। प्रभु श्री नाम का नाम लेके चल रहा हूँ मैं तो, बस कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मुझे बस प्रभु जी के दर्शन करने हैं। जय श्री राम भाइयों। आज हम लोगों ने 20 से 25 किलोमीटर अभी कवर कर लिया है और अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, शायद अभी 2:25 हो रहे हैं, तो हम लोग आज अभी 10 किलोमीटर और कवर कर लेंगे, तो 30 से 35 किलोमीटर हम लोग डेली कवर करते हैं। भाइयों आप लोगों को मैं पूरा न्यूज़ देता रहूँगा, बाकी मेरे को अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ नहीं रही, बट जैसे ही मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी वो आप लोगों को मैं शेयर करूँगा कि मेरा पैर दर्द हुए या नहीं हुए, कितना क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। जय श्री राम भाइयों। मैं शिवपुरी एमपी से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा का सफ़र तय कर रहा हूँ, जिसमें मुझसे कुछ भी गलत वर्ड निकल जाए या कुछ भी हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना अपना छोटा भाई समझ के, क्योंकि मैं मतलब अपन लोग ऐसे माहौल में रहते हैं आजकल कि उसमें मतलब अपन लोगों को कुछ ज़्यादा पूजा पाठ का वो ज्ञान नहीं रहता, कुछ भी भगवानों का इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, तो कुछ वर्ड निकल जाते हैं और दोस्त साथ में हैं तो हंसी मजाक में कुछ निकल जाता है, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ सभी लोगों को। आप लोगों को यही बोलूँगा कमेंट करते रहो, बस कमेंट नहीं रुकना चाहिए और मेरे पैर नहीं रुकेंगे, मुझे बस श्री राम नाम वहाँ तक लेके जाएगा। जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई, जय श्री राम सभी को। ये देखो कितनी मस्त नहर है, इसमें अपन लोग नहाते हैं बढ़िया, थोड़ा सा गर्मी भी लग रही, चल चल के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, और अपना एक भाई वो है उधर, वो तो तैयार हो गया नहाने के लिए, और अपन भी चलते हैं नीचे से इधर से, तो यहाँ पे नहाते हैं बढ़िया, रिलैक्स फील हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आई मीन कुछ भी हो मज़ा आएगा। जय श्री राम भाइयों। आज हमारा भाई कूद के नहाएगा और हमें स्विमिंग करके दिखाएगा ऐसे क्या होता है। श्री राम का नाम लेके चल दिए हैं तो कुछ नहीं होना हमारे साथ, बढ़िया नहाते धोते हैं निकलते हैं यहाँ से। और भाई सबसे पहले कौन नहाएगा, भाई नहाएगा सबसे पहले, भाई बहुत हिम्मत वाला है, पर अपन इतने हिम्मत वाले हैं नहीं ना। जय श्री राम भाइयों।
आप लोगों को ऐसा व्यू दिखाने वाला हूँ मैं, बहुत प्यारा। गमजा निकल गया भाई। दिखा दे तेरा। चलो नहीं दिखा रहा, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, बट ये प्यारा व्यू लग रहा है मेरे को। श्री राम भाई हो, इतना प्यारा पानी और प्यारा व्यू, यहाँ पे हम लोग नहाएंगे आज, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। वो कह रहा है कि कुकर जाएगी, मैंने कहा भाई ये भी सही है पर ऐसी बात नहीं होती। जय श्री राम भाई हो, भाई यहाँ पे आइस बात जैसा हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ठंडा, रिलैक्स। हम लोग ऐसे नहाते हैं ना तो ठंडे पानी से बिल्कुल रिलैक्स मिल जाता है, एकदम से ऐसा लगता है एनर्जी मिल जाती है, तो 10 से 15 किलोमीटर हम नॉर्मल चल सकते हैं फिर। ओ भाई बहुत बहुत तगड़ा, इतना तो बर्फ़ भी ठंडी नहीं रहती, इतनी तो बर्फ़ भी ठंडी नहीं रहती, बहुत मज़ा आ रहा है सच्ची में, सुकून मिल रहा है पैरों में बहुत ज़्यादा। ये देखो कितना प्यारा है भाई, इतनी बड़ी तो नहर भी नहीं होती, इतना पानी जा रहा है यहाँ से। घमचा निकल गया भीगा है बदन तेरा, पानी में आग लगाए जिसका लाइट ऑफ है, किसी के हाथ में वाटर से खेलती हो, मजे तुम लेती हो हमें ना देती हो। Why are you tell me why hot summer, ऊपर से तू भी हॉट, आजा साथ लगा ले मेरे डोंट सकीला सॉट। जीले 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 पानी वाला डैम, आजा साथ मेरे तू कर ले बेबी थोड़ा सा रोमांस। एरिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके जय श्री राम, जय श्री राम भाइयों। हम लोगों को काफ़ी चलने के बाद आज हम लोग 38 से 40 किलोमीटर चले हैं, और बहुत चलने के बाद हमें एक मंदिर मिला है जहाँ पे हम लोग रुक गए हैं। बढ़िया, कहीं पैर दर्द तो कर रहे हैं लेकिन सुबह तक ठीक हो जाते हैं, मतलब ऐसा एक दिन चलते हैं ना दूसरे दिन तक पैर ठीक हो जाते हैं। सो बढ़िया, यहाँ पे आग भी जल रही है, भाई लोग भी बैठे हैं अपने, और इधर हम लोगों ने बढ़िया सा कम्बल उम्बल बिछा के सारा वो तैयार करा लिया है, एकदम बढ़िया। ये अपना सामान वगैरह रखा है इधर बढ़िया सा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, प्रभु राम जी की कृपा से। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में भरते रहिए, जितने लाइक कमेंट शेयर मिलते हैं ना मेरे को, उस चीज़ से मुझे लगता है वही चीज़ मुझे ले जा रही है, और एक सपोर्ट और एक ऐसा लगता है कि हाँ लोगों का कितने लोग मतलब प्रशंसा कर रहे हैं, अपन लोग जा रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी चीज़ लगती है। और दिल से थैंक यू सभी लोगों को जो इतना सपोर्ट करते हैं एंड रास्ते में मिलते हैं, रास्ते में तो बहुत प्यारे लोग मिलते हैं भाई। सो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग कॉमेंट बॉक्स को बिल्कुल भरते रहिए, बस मैं पहुँच के ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। जय श्री राम। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, सभी भाइयों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।